ओम श्री साईनाथाय नमः। गुड मॉर्निंग साई मॉर्निंग। जिसका कोई नहीं होता ना, उसका साई होता है। बेसहारों को सहारा साई देता है। साई उससे भी प्यार करता है जो साई से प्यार नहीं करता। ये खासियत है हमारे शिरडी के साईनाथ की। और जो भी भक्त सच्चे दिल से बाबा को कहीं पर भी याद करता है, बाबा उसकी रक्षा करने के लिए किसी न किसी रूप में पहुंच जाते हैं। ऐसी लीला बहुत बार साईं भक्तों के साथ देखी गई है और बाबा अपने होने का एहसास अपने भक्तों को कराते रहते हैं। जो सच्चा भक्त होता है उसे बाबा दर्शन भी देते हैं और भक्त को अनुभव होता है कि हाँ, साईं हर वक्त साथ है। जिस वक्त कोई नहीं आता ना, बाबा उस वक्त आकर अपने भक्त को सहारा देते हैं। ये हैं साईनाथ, जिन्होंने कभी भेदभाव ऊंच नीच अपने भक्तों को सिखाई ही नहीं और ना कभी खुद भी की। तो ऐसे साईनाथ के चरणों में बार बार नमस्कार है। बाबा ऐसे ही हम सभी की ज़िंदगी में बाबा का साथ बना रहे और बाबा ऐसे ही हमें सद्बुद्धि दें, ज्ञान दें, ताकि हम दूसरों का भला कर सकें। आइए आज की प्रार्थना शुरू करते हैं। आज जो लोग भी बाबा परेशान हैं, जिनको जो भी प्रॉब्लम है, उनकी चिंता दूर करना, उन्हें खुशियाँ देना और उनकी लाइफ में जो भी परेशानी आ रही हो, उनकी हेल्थ अगर अच्छी ना हो तो उनकी हेल्थ को ठीक करना बाबा, रहम करना, दया करना। तो आज की प्रेयर जिनके लिए की जा रही है, उनके नाम हैं बच्चा कृष्णा पाटिल, अंकिता असवानी जी, मोहिनी देव जी, संजय जी, कल्पना सेंगर जी, रामावती देवी जी, आशुतोष सावले जी, पुष्पा जी, लालू भुल्लू यादव जी, राजेश रानी जी विद फैमिली, ममता कोरी जी, बाबा एंड ऑल फैमिलीज, इन सब पर रहम करना। इनके परिवार में सुख शांति खुशियां बनी रहें। आने वाला हर दिन बेहद खूबसूरत हो और इन सबकी ज़िंदगी में खुशियों का जल्द से जल्द आगमन हो। जिनकी जो भी परिस्थिति, जो भी परेशानी हो, आप सब जानते हो, कष्टों का निवारण करना देवा, रहम करना। और आज बच्चे कृष्णा पाटिल का बर्थडे है, अंकिता असवानी जी का बर्थडे है, बाबा इनको इनके जन्मदिन का एक अच्छा सा उपहार देना, एक अच्छा सा गिफ्ट देना, क्योंकि आपका गिफ्ट सबसे अच्छा होगा। तो बच्चे कृष्णा को जन्मदिन की उनके माता पिता को ढेर सारी शुभकामनाएं। बच्चा लाइफ में बहुत आगे बढ़े, सक्सेस पाए और अपने माता पिता, अपने कुल का नाम रोशन करें। अंकिता जी, आपको भी जन्मदिन की बहुत बहुत शुभकामनाएं। इसी तरह मालिक हमें हमारा साथ बनाए रखिए और आप लंबी आयु हो, सुख हो और अच्छी सेहत हो। बाबा आपका जीवन सुख से भर दें, यही साईं दीदार परिवार की प्रार्थना है साईं चरणों में। तो आइए प्रार्थना 11 वचनों के साथ शुरू करते हैं। कोई भूल चूक हुई हो तो माफ़ कीजिएगा, आगे साईं संभाल लेंगे। जय श्री साईनाथ। आइए 11 वचन पढ़ते हैं। जो शिरडी में आएगा आपद दूर भगाएगा, चढ़े समाधि की सीढ़ी पर, पैर तले दुख की पीढ़ी पर, त्याग शरीर चला जाऊँगा, भक्त हेतु दौड़ा आऊँगा, मन में रखना दृढ़ विश्वास, करे समाधि पूरी आस, मुझे सदा जीवित ही जानो, अनुभव करो सत्य पहचानो, मेरी शरणा खाली जाए, हो तो कोई मुझे बताए, जैसा भाव रहा जिस जन का, वैसा रूप हुआ मेरे मन का, भार तुम्हारा मुझ पर होगा, वचन ना मेरा झूठा होगा, आ सहायता लो भरपूर, जो मांगा वो नहीं है दूर, मुझ में लीन वचन मन काया, उसका ऋण ना कभी चुकाया, धन्य धन्य वह भक्त अनन्य, मेरी शरण तज जिसे न अन्य, अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक, राजाधिराज योगीराज परब्रह्म श्री सच्चिदानंद सदगुरु साईनाथ महाराज की जय। बाबा आप सबके जीवन में बहुत सारी खुशियाँ लेकर के आए, हमेशा खुश रहिए। प्रार्थना पर विश्वास करना, क्योंकि बिना विश्वास के कुछ नहीं होता।
और विश्वास करने पर वो भी होता है जिसकी हमने कभी कल्पना भी नहीं की होती। ठीक है, हिम्मत नहीं हारिए, प्रॉब्लम्स आई हैं तो खुशियाँ भी आएंगी, यही रास्ता है दोनों के आने का। इंतज़ार कीजिए, सब्र का फल मीठा होता है ना, बहुत मीठा होगा। जय साईं राम, आप सभी का दिन शुभ हो, मंगलमय हो। जय जय साईनाथ।